फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे टाटा वुमेन प्रीमियर लीग T20 मुकाबले की। ये मुकाबला गुजरात जायंट्स वुमेन वर्सेस दिल्ली कैपिटल के वुमेन बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं, ये मुकाबला एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर इंडिया में ये मुकाबला खेला जाएगा। एंड यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो आपको बता दूँ, एम चन्नास्वामी स्टेडियम की पिच जो कि बैटर्स को इस पिच पर ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। एंड बात करूँ वेदर रिपोर्ट की, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा। एंड 4.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। नेक्स्ट बात करूँ स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, एम चन्नास्वामी स्टेडियम में टोटल मैचेस 18 हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट वन 7 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 9 मैचेस। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इज 141 एंड सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर इज 136। हाईस्ट ओवर अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है 212 4 विकेट के साथ एंड लोवेस्ट टोटल 99 रन 10 विकेट के साथ। एंड हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है 194 3 विकेट के साथ हुआ है एंड लोवेस्ट वेंटेड 114 7 विकेट के साथ। नेक्स्ट बात करूं गुजरात जायंट्स की तरफ से प्लेइंग 11 की, नौरव वरदात, वेथुनी कैप्टन और विकेट कीपिंग दोनों संभालती हैं। गुजरात जायंट्स टीम की ओर से हरलीन देओल, फिलिश फील्ड, एसली गार्नर, डीएम लथा, कैथरीन ब्रेस, स्नेहा राणा, तनुजा कन्वर, मनत कश्यप एंड मेघना सिंह। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो, गुजरात जायंट्स वुमेन की तरफ से प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ की प्लेयर्स जो कि गुजरात जायंट्स वुमेन की तरफ से हैं। प्रिया मिश्रा अच्छी बैटर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बैटिंग स्टाइल इनका राइट हैंडेड है, अच्छी बैटर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। बात करूँ वेथमुनी की, ये भी बेस्ट विकेट कीपर हैं, साथ ही में बेस्ट बल्लेबाज भी हैं, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बैटिंग स्टाइल की बात करूँ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करती हैं। एंड बात करूँ अरलीन देओल की जो कि ये भी बेस्ट ऑलराउंडर है, टोटल 8 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 202 रन, साथ ही में एक विकेट भी लिया है। एंड इनके बैटिंग स्टाइल की बात करूँ राइट हैंडेड बैटिंग करती हैं एंड बॉलिंग स्टाइल इनका लेग स्पिन बॉलिंग स्टाइल है। नेक्स्ट बात करूँ स्नेहा राणा की, ये भी बेस्ट ऑलराउंडर है इंडिया टीम की ओर से, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। गुजरात जायंट्स टीम की ओर से खेल रही हैं, 8 मैचेस में इन्होंने 34 रन, साथ ही में 6 विकेट भी लिए हैं, बेस्ट ऑलराउंडर है। एंड इनके बैटिंग स्टाइल की बात करूं राइट हैंडेड बैटिंग करती हैं एंड बॉलिंग स्टाइल इनका ऑफ ब्रेक है, अपनी टीम में इनको जरूर पिक कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। बात करूं तनुजा कन्वर की, ये भी बेस्ट ऑलराउंडर है। इनकी बात करूं रिकॉर्ड की तो 8 मैचेस में 30 रन, साथ ही में 5 विकेट भी इन्होंने लिए, अच्छी ऑलराउंडर है, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। बैटिंग स्टाइल की बात करूँ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करती हैं एंड बॉलिंग स्टाइल इनकी सिर्फ लेफ्ट आर्म बॉलिंग स्टाइल है, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। बात करूँ इस मैच में गिव अवे की तो आपको बता दूँ इस मैच में 50,000 रुपये का फ्री गिव रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पोसल 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पोसल 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पोसल 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इस मैच की टीम क्रिएट करके आप अच्छा पैसा अर्न आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 5,000 रुपये का, सेकंड रैंक लाते हो आपको 2,000 रुपये का एंड थर्ड रैंक लाते हो तो आपको 1,000 रुपये तक का फ्री गिवअवे दिया जाएगा। बात करूँ दिल्ली कैपिटल वुमेन की तरफ से प्लेइंग 11 की, मैग लर्निंग कैप्टन है दिल्ली कैपिटल वुमेन की, शेफाली वर्मा, एलेक्स कैप्सी, जेमर रॉजर्स, मैरिजन केप, जेस जोनासन, अरुंधति रेड्डी, मनी मिनू एंड तानिया भाटिया विकेट कीपिंग करते दिखेंगे, राधा यादव, शिखा पांडे। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि दिल्ली कैपिटल वुमेन की तरफ से प्लेइंग 11 है। एंड की प्लेयर्स जो कि दिल्ली कैपिटल वुमेन की तरफ से हैं जिनको अपनी टीम में ये प्लेयर जरूर ट्राई कर सकते हो, मेघ लर्निंग अच्छी बैटर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। 11 मैचेस में 427 रन एंड इनके बैटिंग स्टाइल की बात करूँ राइट हैंडेड बैटिंग करती हैं, बेस्ट बैटर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। बात करूँ शेफाली वर्मा की, ये भी बेस्ट बैटर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। 11 मैचेस में 370 रन, बेस्ट बैटर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड बैटिंग स्टाइल की बात करूँ राइट हैंडेड बैटिंग करती हैं एंड बॉलिंग स्टाइल इनका ऑफ ब्रेक है, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। बात करूँ जेमर रॉजर्स की, ये भी बेस्ट बैटर हैं, 11 मैचेस में 172 रन, अच्छी बल्लेबाज हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। बैटिंग स्टाइल की बात करूँ राइट हैंडेड बैटिंग करती हैं एंड बॉलिंग स्टाइल इनकी ऑफ ब्रेक है, अपनी टीम में उनको जरूर ट्राई करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। एलेक्स कैप्सी, ये भी बेस्ट ऑलराउंडर है दिल्ली कैपिटल वुमेन टीम की ओर से, 10 मैचेस में 234 रन, साथ ही में 8 विकेट भी इन्होंने लिए हैं, अच्छी ऑलराउंडर हैं, अपनी टीम में उनको जरूर ट्राई कर सकते हो। बैटिंग स्टाइल की बात करूँ राइट हैंडेड बैटिंग करती हैं, बॉलिंग स्टाइल इनका ऑफ ब्रेक है, अपनी टीम में उनको जरूर ट्राई करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ मैरिजन केप की, ये भी अच्छी ऑलराउंडर है एंड अपनी टीम में इनको एज अ जरूर ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी।
11 मैचेस में 193 रन, साथ ही वे 13 विकेट भी इन्होंने लिए हैं। बेस्ट ऑलराउंडर हैं। इन इनके बैटिंग स्टाइल की बात करूं, राइट हैंडेड बैटिंग करती हैं एंड बॉलिंग स्टाइल इनका राइट आर्म मीडियम बॉलिंग स्टाइल है। अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। बात करूँ शिखा पांडे की, ये भी बेस्ट ऑलराउंडर हैं, हालांकि बॉलिंग कराती हैं, बेस्ट बॉलर हैं। 11 मैचेस में 11 विकेट लिए हैं, साथ ही में 39 रन भी इन्होंने लगाए हैं एंड अपनी टीम में आप इनको जरूर पिक कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। बैटिंग स्टाइल की बात करूँ, राइट हैंडेड बैटिंग करती हैं एंड बॉलिंग स्टाइल इनका जो कि राइट आर्म मीडियम इनका बॉलिंग स्टाइल है। बात करूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो आपको बता दूँ दिल्ली कैपिटल वुमेन गुड फॉर्म में है, रिसेंट मैचेस में इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। एंड बात करूँ एड टू वर्ड मुकाबले की, तो आपको बता दूँ गुजरात जायंट्स वुमेन एक एड टू वर्ड मुकाबला बॉन किया है, वहीं दिल्ली कैपिटल वुमेन ये भी एक एड टू वर्ड मुकाबले बॉन किए हैं। एंड बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, हरलीन देओल को आप एज ए स्मॉलिंग में वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। 66 इन्होंने फैंटेसी पॉइंट हासिल किए हैं एंड वेथ मनी जो कि आप अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो, 72 फैंटेसी पॉइंट हासिल किए हैं अपनी टीम में इनको एज ए वाइस कैप्टन। स्मॉल लीग टीम में आप इनको पिक कर सकते हो एंड हरलीन देओल को आप एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। ऐसे गार्नर 115 फैंटेसी पॉइंट हासिल किए हैं इन्होंने, आप अपनी टीम में इनको एज ए वाइस कैप्टन। ग्रैंड लीग टीम में आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। मैगलने ये भी बेस्ट बल्लेबाज हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए, 144 फैंटेसी पॉइंट हासिल किए हैं अपनी टीम में इनको एज ए कैप्टन, अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। एलएस कैप्सी बेस्ट ऑलराउंडर हैं, 225 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं डब्ल्यूपीएल इसमें, तो अपनी टीम में इनको एज ए वाइस कैप्टन स्मॉल लीग एंड एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। मेलजैन केप ये भी अच्छी ऑलराउंडर हैं, 297 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं अपनी टीम में इनको एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में एंड वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। बात करूँ अपनी फैंटेसी टीम की, तो आपको बता दूँ विकेट कीपर में आप वेथ मुनी को अपनी टीम में पिक कर सकते हो एंड बैट्समैन में हरलीन देओल, सफाली वर्मा, मैगलने, एलोरा बादात को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर में एशली गार्नर, मेलजैन केप एंड एलेक्स कैप्सी को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। बॉलर में तनुषा कनवर, अरुण दत्त रेड्डी एंड एम कश्यप को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ, कैप्टन आप मैगलने को बना सकते हो एंड वाइस कैप्टन आप एलेक्स कैप्सी को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। जो भी आना फाइनल अपडेट होगा एंड फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।